कुंभ राशि, जीवन की सड़कों पर घायल हो जाएंगे, अभी भी समय है, खुद को सुधार लो। नमस्कार दोस्तों, जय भोलेनाथ। दोस्तों आज हम आपको 24 और 25 सितंबर की कुंभ राशि भविष्य बताने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, इन दो दिनों में आपको जो कि किस तरह से सुधारना है और किस तरह से आप अपने जीवन में घायल हो सकते हैं उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। हर एक बातें विस्तार से आज की वीडियो में चर्चा करेंगे, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें, अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशिफल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस चैनल पर आपको इसी तरह राशिफल के रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलेगी। साथ ही आप इन वीडियो को देखकर आने वाले दिनों के बारे में पहले से अनुमान भी लगा सकते हैं, और अगर आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम या फिर परेशानियाँ चल रही हैं उसका अगर हल ज्योतिष शास्त्र के अनुसार और कुंडली के आधार पर जानना चाहते हैं तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो में और जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिख रहा है उस नंबर पर डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं अथवा व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, हमारे तरफ से आपका हल जो कि निकाल कर दिया जाएगा। तो चलिए बिना गवाए जानते हैं कुंभ राशि के बारे में। दोस्तों आध्यात्मिकता और रहस्य अभी आपको आकर्षित कर सकते हैं। अपने सपनों और दृष्टिकोण पर भरोसा रखिए। कोई निजी हानि आपको दुखी करेगी, जो आप सोचते हैं उसे आगे बढ़ाने के लिए समय लीजिए। आगे बढ़ने के लिए उन चिंताओं के बारे में बात करें जो आपका रास्ता रोक रही हैं। आप चाहे तो अपने दोस्त या फिर किसी रिश्तेदार या फिर आपसे बड़े अनुभवी किसी व्यक्ति से सलाह भी ले सकते हैं। अपनी नौकरी पर ध्यान दें और एक साथ कई गतिविधियों को करने से बचेगा। अगर आप एक काम को एक ही समय में करेंगे तो उसी काम को समय पर क्वालिटी के साथ पूरा करेंगे। अगर बहुत सारे काम्स को एक ही बार हाथ में लेंगे तो कोई भी काम अच्छा नहीं होगा और समय पर पूरा नहीं होगा। लक्ष्य को नज़दीक पाकर आपको अपना काम मनोरंजक लगेगा। अपनी उत्पादकता के बारे में जानकर आप प्रसन्न होंगे। रिश्तों में आई गलतफहमियों को दूर करने के लिए समय निकालें। जिंदगी में अनुभव अच्छे हो या फिर बुरे, उनसे सीखकर खुद को बदलने की जरूरत होती है। दोस्तों अब बात करते हैं आपका सामान्य सा राशिफल कैसा रहेगा उसके बारे में। व्यापारिक सौदे अभी भी आपके लिए प्राथमिक और महत्वपूर्ण है। अपने फैसलों को अपने पति या फिर पत्नी या फिर दूसरे खास व्यक्ति के विचारों को जानने के बाद ही लीजिएगा। बैठकों और लेन देन में ढीले सिरों को बांधे और घर में हुए मतभेदों को सुलझाने की दिशा में काम करें। आप आराम करने के मूड में हैं। आपको जीवन का अनुभव हर चीज का गुण मतलब सिखा रहा है। बुरी आदतों से दूर रहें। परिवार और बच्चों के साथ समय व्यतीत करें, क्योंकि सितारे बता रहे हैं कि आने वाला सप्ताह व्यस्तता से भरा हुआ है। तो चलिए बात करते हैं कौन से बातों का आपको ध्यान रखना है उसके बारे में। घर का वातावरण कुछ ठीक नहीं रहेगा। परिजनों के साथ आपका तालमेल बिगड़ सकता है, जिससे कि घरेलू कलह बढ़ने की आशंका है। इस तरह की परिस्थितियों में आपको अपने व्यवहार का खास ध्यान रखने की सलाह दी जाती है, अन्यथा भविष्य में आपको पछताना पड़ सकता है। जीवन साथी के स्वास्थ्य में भारी गिरावट आ सकती है। पैसों की स्थिति सामान्य से बेहतर रहेगी। अगर आप किसी बड़े खर्चे के मूड में हैं तो इससे आपको बचना होगा। कामकाज की बात करें तो अगर आप मीडिया या फिर पॉलिटिक्स से जुड़े हैं तो दिन आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। ऐसे में आप अपने कामकाज में सबसे अलग करके, कुछ हटके, कुछ नया करके कंपनी को प्रॉफिट दिला सकते हैं और उससे आपका प्रमोशन या फिर वेतन वृद्धि भी हो सकती है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं जीवन की सड़कों पर घायल हो जाएंगे, ऐसा हमने क्यों कहा उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। दोस्तों 24 और 25 सितंबर इन दो दिनों में आप अपने जीवन में हर एक क्षेत्र पर जहां पर कुछ गलती करेंगे या फिर कुछ गलत सलाह की वजह से आप घायल हो सकते हैं, आप जो कि गिर सकते हैं, आपको कहीं चोट भी लग सकती है। यहाँ पर घायल होना इसका मतलब सिर्फ चोट लगना या फिर शारीरिक नुकसान होना ऐसा नहीं है। घायल होना यानी कि कहीं पर आपका असफलता मिलना, कहीं पर आपका पैसे का नुकसान होना, इस तरह की चीज़ें इन दोनों दिनों में जो कि हो सकती हैं। ऐसे में आपको वही बैठे नहीं रहना है, कुछ करके, कुछ अलग करके, उसमें ही कुछ नया करके वहाँ से फिर उभरना है और आगे बढ़ते जाना है। जीवन का यही रहस्य है, जो गिरता है वह कुछ सीखता है और जो सीखता है वह आगे बढ़ता रहता है, इस बात का ध्यान रखिएगा।
तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं आपका धन राशिफल कैसा रहेगा उसके बारे में। लंबे समय से अटके हुए कार्य पूरे होंगे जिससे आप जीवन का आनंद ले पाएंगे। करियर या फिर बिजनेस में सफलता आपका स्वप्न है और इसके लिए आप बहुत परिश्रम कर रहे हैं। जल्द ही आपकी हर इच्छा पूरी होगी। लिखा पढ़त या फिर नए कानूनी समझौतों की भी संभावना बन रही है। अब समय है पुराने दोस्तों से मिलने और गिले शिकवे दूर करने का। आलसी और सुस्त महसूस कर सकते हैं, ऐसे में थोड़ा व्यायाम और योगा तो बनता है। इससे आपके अंदर की जो आलस है वो पूरा बाहर निकल जाएगा और हर वक्त पूरा आप जो है फ्रेश महसूस करेंगे। भावनाओं में न बहते हुए अपने रिश्तों का ख्याल रखिएगा। आप पार्टी के मूड में हैं लेकिन ऐसे में नशा करने से बचेगा। नशा बहुत बेकार चीज़ है, अगर यह आपके संग लगी तो आपकी जिंदगी बर्बाद कर सकती है। तो चलिए अब बात करते हैं आपका करियर राशिफल कैसा रहेगा उसके बारे में। पूरी मेहनत से अपना काम करने की कोशिश करें क्योंकि आप पर आपके बॉस की नज़र है। अगर आप सेल्स से संबंध रखते हैं तो हो सकता है आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में कठिनाइयां हों। अपने काम पर अपना ध्यान केंद्रित रखें और ये बताने की कोशिश करें कि आप अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं। दोस्तों अब बात करते हैं आपका लव राशिफल कैसा रहेगा उसके बारे में। दोस्तों नई योजनाएं और अनुभव जहां पारिवारिक संघर्ष आपको विचलित करेगा तो प्यार की मधुर आवाज आपको स्वर्ग सा एहसास करेगी। पति और पत्नी इनके लिए दिन प्रसन्नता से भरा रहेगा। आपके विरोधी भी आपके दोस्त बन जाएंगे। अपने उत्साह और इच्छाओं को जीवित रखें और अपने दोस्तों को पार्टी दें। आप और आपका स्वीटो दोनों अपने नए नए रिश्तों को लेकर उत्साही और बेचैन हैं। आपका यह रिश्ता धीरे धीरे किंतु अच्छे से विकसित होगा और इस रिश्ते को ऐसे ही बनाए रखें और बीच में कुछ भी ऐसा ना हो या फिर ऐसा आप उनसे पेश आए जिससे कि आपका रिश्ता बिगड़ जाए। आखिर में बात करते हैं आपका स्वास्थ्य राशिफल कैसा रहेगा उसके बारे में। दोस्तों आप स्वास्थ्य के मामले में अच्छा महसूस नहीं करेंगे। यह ज़्यादा गंभीर तो नहीं परंतु आप कुछ ढीला महसूस करेंगे। आप कुछ ऐसा करें जिससे कि आप बेहतर महसूस करें, जल्द अपने पद पर लौट आएंगे। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आपका जो कि कुंभ राशिफल रहने वाला है। वीडियो में बताई गई जानकारी जो कि ज्योतिष पंचांग मान्यताओं और धर्म ग्रंथों से दी गई है। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है, आप इसे सूचना ही तो लीजिएगा। इसके अतिरिक्त अगर आप मानते हैं, अपनाते हैं या फिर इनका उपयोग करते हैं तो इससे पहले अपने नज़दीक के कुल पंडित से अवश्य संपर्क करेगा। दोस्तों आप चाहे तो ट्रेनिंग राशिफल से भी संपर्क कर सकते हैं, कुंडली और इसमें मामूली सा बदलाव हो सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो सच में अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करेगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों के संग शेयर करेगा और हमारे चैनल ट्रेनिंग राशिफल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं वीडियो के साथ। धन्यवाद।